मित्रों, ईश्वर की भक्ति के लिए किसी धर्म की आवश्यकता नहीं होती, जरूरत होती है तो बस सच्ची श्रद्धा और भक्ति की। जी हाँ मित्रों, और इसी तथ्य का एक सटीक उदाहरण हमें मिलता है मुल्तान में घटी एक ऐसी सत्य घटना में, जो एक ऐसे मुस्लिम भक्त से जुड़ी है जो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर रोजाना उनका बेहद पसंदीदा गीत गाया करता और भगवान कृष्ण स्वयं उसके इस गीत को सुनने आते थे। तो क्या थी पूरी कहानी, जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। नमस्कार मित्रों, और स्वागत है आपका कलयुग यूट्यूब चैनल पर। एक बार की बात है, मुल्तान के एक पंडित जगन्नाथपुरी घूमने गए। जब वो वहां दर्शन कर रहे थे तब उन्होंने एक भक्त को बहुत ही मधुर गीत गाते हुए सुना। पंडित जी को वो गीत इतना पसंद आया कि पंडित जी उस गीत की प्रतिलिपि लेकर वापस घर लौट आए। पंडित जी की आर्थिक दशा इतनी सही नहीं थी और वो एक पठान के घर किराए पर रहते थे। एक दिन शाम में पंडित जी अच्छी सी चादर बिछाकर उस पर परमात्मा को स्थापित कर उसी गीत का गान करने लगे। उसी समय पठान भी राजा से मिलने के लिए नगर की ओर निकला ही था कि उसका ध्यान पंडित के इस गीत पर पड़ा और वो वहीं रुक गया। रोज अब यही होने लगा। नवाब अपने काम के लिए निकलता और पंडित के पट के बाहर से गुजरता तो वो गीत सुन वहीं रुक जाता। पंडित का ध्यान भी इन चीजों पर जाने लगा और उन्होंने एक दिन नवाब से पूछ ही लिया, नवाब जी, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि आप मेरे पट पर आकर रुक जाते हैं, ऐसा क्या है जो आपको रुकने पर मजबूर कर देता है? नवाब उत्तर देते हैं, ये जो आप गीत गाते हैं वो इतना मीठा और मधुर है और ये मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देता। तब पंडित जी नवाब को बताते हैं, अरे क्या आप जानते हैं, जो गीत मैं गाता हूँ उसे सुनते ही भगवान आपके समीप आ जाते हैं। ये सुनते ही नवाब बोला, क्या आप मुझे ये गीत सिखा सकते हैं? पंडित जी ने भी हामी भरते हुए उन्हें अगली सुबह से आने को कह दिया और बोला, चलिए आप कल सुबह से आ जाना। ये सुनते ही नवाब की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। वो खुशी खुशी अगली सुबह नहा धोकर पंडित जी के घर पहुंच गया और पंडित जी से कहने लगा कि चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही पंडित जी ने वो गीत गाना शुरू किया, वो गाना इतना मधुर था कि नवाब अपनी सुध बुध खो बैठा और संगीत में खो गया। जब थोड़ी देर बाद नवाब उस गीत की मधुरता से निकला तो बोलने लगा, पंडित जी मुझे तो अपने शरीर का ज्ञान ही नहीं रहा। इस पर पंडित जी कहने लगे, नवाब जी, मैंने आपको ये गीत तो सुना दिया है लेकिन इस गीत का भी एक नियम है। एक बात का ध्यान हमेशा रखना कि जब भी ये गीत गाओ सबसे पहले एक आसन बिछाना और आसन बिछाने के बाद भगवान कृष्ण को आवाज लगाना, तब भगवान कृष्ण खुद ब खुद तुम्हारा ये गीत सुनने आएंगे। नवाब कहने लगा, पंडित जी मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ और मेरा कुछ पता नहीं, कभी घर पर रहता हूँ तो कभी बाहर, कभी कभी तो मुझे युद्ध के लिए भी जाना पड़ता है, अब ऐसे में मैं ये आसन कहाँ कहाँ लगाऊंगा। पंडित जी इसका भी हल देते हुए कहते हैं, कोई नहीं, जब कभी तुम युद्ध पर जाओ तो ये गीत गाते गाते एक आसन घोड़े के आगे लगा देना और यही सोचना कि मेरे परमात्मा मेरे साथ हैं। पंडित जी की बातों का असर नवाब पर कुछ इस तरह हुआ कि वो जब भी वो गीत गाता पहले आसन बिछाता और उसे सच में यही अनुभव होता कि परमात्मा उसके साथ है। एक दिन इसी तरह नवाब राजा के आदेश पर युद्ध के लिए जा रहा था। रास्ते में वो वही गीत गाने लगा लेकिन वो भूल गया कि उसने भगवान के लिए आसन तो लगाया ही नहीं। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके घोड़े के आगे नाचता हुआ चल रहा है। उसने घोड़ा रोक कर भी देखा लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। उसने अपना घोड़ा फिर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर आगे चलने पर उसे फिर से यही प्रतीत हुआ और ये घटना लगभग 2-3 बार घटी, लेकिन फिर आखिरकार उन्हें अपने घोड़े के आगे एक बालक चलता हुआ दिखाई दिया। उस बालक को देख नवाब पूछने लगे, हे बालक, तुम कौन हो? बालक ने भी उत्तर दिया, मैं वही परमात्मा हूँ जिसे तुम आसन पर बिठाकर गीत सुनाते हो, और इस बार तुमने आसन नहीं लगाया इसीलिए मैं भी घोड़े पर नहीं चढ़ा, लेकिन जिस गीत को तुम गा रहे हो वो इतना मधुर है
कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और इसीलिए मैं तुम्हारे घोड़े के आगे नाचता गाता चल रहा था। भगवान कृष्ण के इस तरह दर्शन पाकर वो मुस्लिम पठान तो धन्य हो गया, लेकिन फिर वो कभी भी आसन लगाना नहीं भूला। मित्रों, हमें भी इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है कि भगवान के लिए सब एक समान है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। उसके लिए कुछ मायने रखता है तो बस आपकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति। जब भगवान ही किसी जाति या फिर धर्म में भेद नहीं करते तो क्या हम इंसान भगवान से बड़े हैं? आपका इस बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही सत्य घटनाओं पर आधारित वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे हमारे कलयुग यूट्यूब चैनल के साथ। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।